क्या नाता है, क्या नाता है, क्या संबंध है? अब चुप, प्रेम ये कहाँ मिलता है? किस किस को हो गया भगवान से प्रेम? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो सुदामा को इतनी माया दी है। घर आके पत्नी से कहते हैं, तू ही ले, तू ही भोग, तू ही खा, तू ही पका, तू ही चख, और हम चले क्यों? मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत मेरा श्याम और श्याम का नाम है, बोलना पड़ेगा हमारा। बस आपके अंदर भी ये भाव आ जाए तो सारे संकट वो अपने आप हर लेता है। झुक जा श्याम चरण में प्यारे, और कहीं ना झुकने देगा। मन में हो विश्वास पक्का तो काम कभी ना रुकने दे। श्याम मेरे, श्याम मेरे कान्हा, मेरे बांके बिहारी, मेरे गोपाल, मेरे गिरधर, बोलना पड़ेगा हमारा। और आपने मान लिया ना आपका नाता है, तो अब ध्यान से सुनिए, भगवान के पुत्र है, बोलना पड़ेगा हमारा। रानियां कितनी है? 16,100, और हर रानी से 10 पुत्र हुए हैं। कल देख लेना कितनी संख्या हुई मल्टीप्लाइज करके। तो पुत्रों को नित्य भगवान समझाते हैं, क्या? रूप यौवन धन संपत्ति, रूप सुंदर शरीर, जवान उम्र, और पैसा अगर पास होना तो बुद्धि बेटा बिगड़ जाती है, क्या बोलना पड़ेगा? कौन समझा रहे हैं, कौन समझा रहे हैं? भगवान किसको समझा रहे हैं? पुत्रों को। और तुम्हारा क्या नाता है? बहन, सखी, भाई, चाचा, फूफा, मामी, दादी, जो भी है, सुन लो कथा कह रही है। बेटा तुम कृष्ण के पुत्र हो, बोलना पड़ेगा। सुंदर हो और अपार संपत्ति है। बेटा भूल कर भी एक भूल मत करना, क्या? कभी संतों का अपमान मत कर देना। कभी नित्य समझाते हैं, लेकिन भगवान के पुत्र श्याम से दुर्वासा जैसे संत का अपमान हो गया, और दुर्वासा के श्राप के कारण ही भगवान की इच्छा से सारा यदुवंश परम धाम चला गया, और अपने लीला करके सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान भी परम धाम में चले गए, बोलना पड़ेगा हमारा। भगवान परम धाम चले गए, लेकिन कहाँ गए? भागवत में चले गए। उद्धव ने देखा है भगवान किसे मिलेंगे? जो बार बार आप जिसका गुणगान करोगे वही तो मिलेगा। जो भागवत के रस को पिएगा, जो भागवत के अमृत को पिएगा, वो भागवत से भगवान को पालेगा। कैसे पालेगा, कौन सा कर्म करे, ये सब भागवत ने आपको अनेकों रास्ते बता दिए। चाहे भक्त बन के, चाहे सखी बन के, सखा बन के, दोस्त बन के, प्रेम बन के, पत्नी बन के, बोलना पड़ेगा हमारा। बताया या नहीं बताया? बताया है। और जिस मंदिर प्रांगण में आप बैठे हो, उस श्याम बाबा के शीश की पूजा होती है। क्यों होती है? प्रथम दिवस कथा में बताया, पहले दिया है, बोलना पड़ेगा। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से भक्ति इतनी भी सस्ती। पहले दिया है तो आज पूजा होती है। पहले सुदामा ने दिए हैं तो चावल खाकर धन मिला है, और तुम देते क्या हो, बोलना पड़ेगा। तुम देते क्या हो, कहाँ देना है? हारे का सहारा इसका नाम है। क्या कभी किसी हारे के सहारे बनते हो, बोलना पड़ेगा। और जो हारे का सहारा बनता है ना, वही श्याम को प्यारा लगता है। हम श्याम तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन कर्म ऐसे करें, क्या करें, किसी दीन दुखी का सहारा बने, किसी हारे का सहारा बने। कैसे, कैसे? एक स्त्री कम उम्र में विधवा हो गई, लेकिन स्वाभिमानी थी, फल बेचकर अपने और अपनों बच्चों का पेट पालने लगी। तो रोज एक भाई आता और उससे फल लेता, वो थोड़े कम भाव में उसको फल दे देती थी, बोलना पड़ेगा हमारा। और
रोज का ग्राहक था। एक दिन वो भी आया और दूसरा दुकानदार भी आया, क्या बोलना पड़ेगा। तो उसने उससे कहा सेब कितने रुपए किलो, तो जो नया ग्राहक आया था उससे उसने कहा 80 रुपए किलो, और जो रोज आता था ना उससे कहा भाई साहब 40 रुपए किलो। तो नया ग्राहक आया वो कहता है इतना भेदभाव, इतना भेदभाव। वो नित्य का ग्राहक था, तो नया ग्राहक कहता है अरे तू रोज इससे फल लेता है, देख तेरी आंखों के सामने ये ऐसा कर रही है। तो कहता है भाई साहब मुझे करने से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे ये पता है ये स्त्री विधवा है, अगर मैं पैसे दूं तो ये लेगी नहीं, लेकिन मैं इसे नित्य फल ले लेता हूँ, भले ही ये कम मोल लगा के मुझे देती है क्योंकि मैं इसका नित्य ग्राहक हूँ, लेकिन इसके रोज फल लेने से और मेरे घर इसके फल जाने से जितने पैसे मैं इसको देता हूँ दिन प्रतिदिन मेरी आमदनी उतनी ही बढ़ती है। बोलना पड़ेगा महाराज। किसी को एहसान जताकर, किसी को बताकर अगर तुम किसी का सहारा बनोगे तो वो तुम उसके प्यारे नहीं बनोगे। जीवन में किसी को सहारा दो, किसी का सम्मान दो, तो ऐसे दो। एक माताजी एक भंडारा था, आज भी भंडारा है ना, और भंडारे का प्रसाद कौन कौन खाएगा, सब खाएंगे। और हाथ नीचे रखना, भंडारे का आयोजन किसने किया है, भंडारे का जब आयोजन हो तो सामूहिक रूप से मिट्टी मुट्ठी सबको देना चाहिए। बोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अब नहीं दिया पता नहीं था तो कल दे देना, परसों दे देना, कभी भी दे देना, लेकिन भंडारे का मतलब यही होता कि हमारे पास जितना भी भंडार है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके भंडार भंडारे में दे और सब प्रेम पूर्वक बैठकर भाव से प्रसाद ग्रहण करें। बोलना पड़ेगा महाराज। और देने का अगर भाव हो तो वस्तु नहीं देखी जाती, कीमत नहीं देखी जाती। भंडारा था, विशाल भंडारा था, एक बूढ़ी माँ कहती है बाबा मुझे भी भंडारे में सम्मिलित होना है और मेरे पास तो 20 ही रुपए हैं, ऐसा कुछ कर दो कि मेरा भी भंडारे में कुछ सामान लग जाए। तो एक मूर्ख चेला पास खड़ा था और कहता है 20 रुपए में ये क्या कर लेगी, यहाँ हजारों व्यक्तियों का भोजन बनेगा और 20 रुपए में तो 4 मिर्च भी नहीं आएंगी। बोलना पड़ेगा वहाँ चली है भंडारा करने, लेकिन गुरु खड़े थे। जो गुरु होते हैं ना वो गागर में सागर भर देते हैं। गुरु जी ने कहा माता जी हो गया तेरे नाम का भंडारा, तो चेले ने कहा आपने वैसे ही खुश कर दिया। तो गुरु जी कहते नहीं बेटा मैंने खुश नहीं किया, ये ले 20 रुपए और नमक की थैली लेके आ, और जितना नमक भंडारे में चाहिए था सारे भंडारे के भोजन में उसका नमक मिल गया। तो वस्तु के प्रति भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जिनके पास करोड़ हैं वो लाख दे दे तो क्या दिया, बोलना पड़ेगा। लाख है तो 1000 दे दे तो क्या दिया, और 1000 है तो 100 दे दे तो क्या दिया, लेकिन जिसके पास एक ही दिन का भोजन है और वो अपने लिए ना खा के किसी हारे के सहारे को देता है, उसको भोजन देता है, तो वो उसका प्यारा बन जाता है। बोलना पड़ेगा। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही मंदिरों में पूजा नहीं करते रे, पत्थर की मूर्त ही आपको इंसान बना देती है। इंसानियत अगर जग जाए, आपकी भागवत पूरी हो गई, आपकी कथा पूरी हो गई, आपका कीर्तन पूरा हो गया, आपका हरि भजन पूरा हो गया, बस इस कथा से तुम इंसानियत जगा के ले जाना, तभी हारे के प्यारे बन जाओगे।